हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट एंड स्पेशल होने वाली है, बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उन लोगों के लिए शेयर करूंगी जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। एंड मेकअप का बेस सेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन ड्राई स्किन पीपल, बिकॉज बहुत केकी हो जाता है फाउंडेशन। तो सबसे पहला स्टेप है गाइज, आपको अपना स्किन केयर गेम बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर आपका स्किन केयर अच्छे से नहीं होगा तो आप हज़ारों मेकअप लगा लो, बिल्कुल भी आपका मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगेगा। सो मेक श्योर कि आप स्किन केयर बहुत अच्छे से करो एंड अच्छा सा हाइड्रेटिंग थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करो एंड बहुत अच्छे से उसको अपने फेस पे मसाज करो, बहुत अच्छे से लगाओ। सो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हेयर आई एम यूजिंग हाइड्रेटिंग प्राइमर। ड्राई स्किन पीपल प्लीज़ रिमेंबर दैट आपकी स्किन ड्राई है, सो आपको मैट प्राइमर्स नहीं यूज़ करने हैं, हमेशा हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ करना है, जिससे एक ग्लो एक हाइड्रेशन आपके फेस पे बना रहे। अगर आप मैट प्राइमर्स यूज़ करोगे तो आपके स्किन का जितना भी ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपको स्किन लाइक फिनिश नहीं मिलेगी फाउंडेशन लगाने के बाद। बिकॉज फिर क्या होगा ना कि आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं होगा एंड आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड इवन नहीं लगेगी। सो अच्छे से प्राइमर को लगा लो एंड देन लगाने के बाद 30-40 सेकेंड्स एटलीस्ट उसको छोड़ देना अच्छे से अब्जॉर्ब होने के लिए एंड देन फाउंडेशन लगाना। ओके, सो मैं यहाँ पे ना मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड साथ ही मैं फेशियल ऑयल मिक्स कर रही हूँ। आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो जो भी आपको सूट करता हो। मैं यहाँ नायका का यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइज, मैं सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा दूंगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी सारे प्रोडक्ट्स का। सो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि लेस इज मोर। देखो, फ्लॉलेस मेकअप का की यही है कि आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ें नहीं अप्लाई करनी है, अदरवाइज आपका मेकअप बहुत ख़राब लगेगा, आप लगेगा कि आपने बहुत सारे लेयर्स लगा रखे हैं। सो बस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट आपको बहुत थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं एंड अगर आपको फिर लगे कि आपको और लगाना है तो फिर आप थोड़ा अमाउंट लेकर के फिर लगाओ और ऐसे अपना मेकअप बिल्ड करो। एंड गाइज, अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर या आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो पहली बात तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर आपका थोड़ा डैम्प होना चाहिए, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होना चाहिए एंड ना ही बहुत ज़्यादा वेट। एंड बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो चाहे आप ब्रश यूज़ करो, बहुत ही हल्के हाथ से आपको ब्लेंड करना है। एंड गाइज, आपको ब्लेंडिंग में टाइम देना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है फाउंडेशन के स्टेप पे, बहुत आराम आराम से धीरे धीरे ब्लेंड करो एंड बहुत हल्के हाथों से करो। एंड गाइज, नेवर फॉरगेट द नेक एरिया, आपको फेस के साथ साथ नेक एरिया पे भी फाउंडेशन लगाना है। सो फाउंडेशन के बाद हेयर आई एम यूजिंग कंसीलर जो कि स्विस ब्यूटी का है। अगर आपने स्विस ब्यूटी का कभी भी कंसीलर यूज़ नहीं किया है तो यूज़ करके देखना, अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा फिनिश भी देता है। सो बेसिकली मैं बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में लगा रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही कम क्वान्टिटी में मैंने लगाया है एंड मैंने स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, मिनी साइज़ का पैक कॉस्मेटिक्स का, उसके हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा ईजी हो जाता है अंडर आइज़ के आसपास ब्लेंड करना एंड मैंने दोनों ही ब्लेंडर्स जो भी यूज़ किए हैं वो दोनों ही पैक कॉस्मेटिक्स के हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा ब्लेंड होता है उससे। सो जनरली जिनकी भी ड्राई स्किन होती है उनका अंडर आइज भी काफ़ी क्रीज करता है, सो अगर आप उनमें से एक हो तो कभी भी आप मेकअप करो तो फाउंडेशन अवॉइड करना अंडर आइज के आसपास, सिर्फ और सिर्फ कंसीलर लगाना, वो भी बहुत थोड़े अमाउंट में, आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड आप खुद ही देखना बहुत ही अच्छा फिनिश आएगा आपके फेस पे एंड अंडर आइज भी बहुत ज़्यादा क्रीज नहीं करेगी, बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगे नहीं हैं तो क्रीज करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। सो ये था एक और टिप गाइस जो आप अपने मेकअप रूटीन में फॉलो कर सकते हो, नो फाउंडेशन इन योर अंडर आई एरियाज, ओनली कंसीलर, वो भी थोड़े अमाउंट में, एंड आप करके देखो, आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा, आपका बहुत ही फ्लॉलेस बेस बनेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आई एम यूजिंग के ब्यूटी कॉन्टोर स्टिक। यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा रही हूँ एज यू कैन सी, एंड जब भी आप कॉन्टोर करो तो आप जब भी ब्लेंड करो ना तो आप ऊपर के साइड में ब्लेंड करो, ना कि नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नहीं करना है, ऊपर के डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है ताकि आपका फेस लिफ्टेड दिखे। सो इसीलिए आपको ऊपर ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करना है जैसे मैं कर रही हूँ। एंड गाइज, मेक श्योर कि आप ना क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करो ना कि पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट। पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, बट ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट इज़ रियली रियली गुड, वो आपके फेस पे हाइड्रेशन बनाया रखता है। अगर आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट लगाओ
लगाओगे ना तो आपका फेस एक टाइम के बाद केकी एंड बहुत ड्राई लगने लगेगा, तो बेटर है कि आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज करो। एंड के ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक इज रियली रियली गुड, आपको ब्लेंड करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। फॉर डिफाइनिंग माई आईब्रोज आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड ब्राउ किट, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन मिलती है आपके आईब्रोज को, बहुत ही अमेजिंग एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। आफ्टर दैट फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग अर्थ रिदम लिक्विड ब्लश, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया दोनों चीक्स पे एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया। यहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा और ब्लश लगाना है, इसीलिए मैंने दोबारा चीक्स पे अपने लगाया, यही मैं आपको बोल रही थी कि धीरे धीरे बिल्ड करना है, तो मैंने दोबारा ब्लश लगाया एंड इस बार मैंने आंखों पे भी लगा लिया अपने, बिकॉज आईज मेरी बहुत ही प्लेन सी लग रही थी, इसीलिए मैंने आईज पे भी लगा लिया एंड छोटे मिनी ब्लेंडर से मैंने अच्छे से उसको आंखों पे भी ब्लेंड कर लिया। एंड देन मैंने अपने लैशेस के लिए वॉल्यूमिनस मस्कारा यूज किया एंड देन विद द हेल्प ऑफ मेबिलीन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने अपना फेस सेट कर लिया अच्छे से, वो भी बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। एंड गाइज आप ना ट्राई कर सकते हो कि आप सेटिंग पाउडर ना यूज़ करके कॉम्पैक्ट पाउडर से अपना मेकअप सेट करो, बहुत अच्छे से मेकअप सेट होता है एंड साथ ही में वो थोड़ा लाइट होता है कम्पेयर टू सेटिंग पाउडर, सेटिंग पाउडर थोड़ा थिक होता है। एंड उसके बाद ना मैं यहाँ पर लिक्विड हाईलाइटर यूज़ करी हूँ जो कि रोज़ गोल्ड शेड का है, आप चाहे तो कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो लिक्विड हाईलाइटर, सो अपने हाई पॉइंट्स पे लगा लो जहाँ जहाँ पे भी आप प्रेफर करते हो लगाना। एंड उसके बाद आई एम अप्लाइंग फॉल्स लैशेस, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बेसिकली टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो है बट साथ ही में मुझे एक लुक भी क्रिएट करना था, सो आप ये लुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, ये डेली पर्पज के लिए दिस इज़ अमेजिंग न्यूड मेकअप लुक है, नो मेकअप मेकअप काइंड ऑफ लुक, वेरी वेरी ड्यूई, वेरी ग्लॉसी, वेरी ग्लोई काइंड ऑफ मेकअप, यू विल डेफिनेटली लव दिस मेकअप, वेरी ईजी, बहुत ही जल्दी 5-6 मिनट में ये मेकअप हो जाता है एंड बहुत ही अच्छा लगता है, आप डिफरेंस देख सकते हो जब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था एंड अभी ये पूरा मेकअप होने के बाद, इट्स क्वाइट ड्यूई एंड बहुत ही ग्लैमरस लग रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे मैंने सारा मेकअप अपना लॉक कर दिया एंड लास्टली मैंने लिप ग्लॉस लगा लिया एंड दिस इज द फाइनल लुक। I hope you like this video and find it useful. I will see you in my next video. Till then, bye-bye.